है एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया से स्मॉल वर्ल्ड। सो आज मैं लेकर के आई हूँ एक और इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जो कि है केक पॉप्स की। अधेरा के बर्थडे में मैंने केक पॉप्स बनाए थे जो सभी को बहुत पसंद आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो ये केक पॉप्स मैं ब्रेड से बनाने जा रही हूँ। आप इसे जो हम केक का स्पंज बनाते हैं, बेसिक स्पंज केक, आप उससे भी इसे बना सकते हैं। मैं इसे ईजी वे में बता रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 6 से 7 ब्रेड ले लिए और उन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है मिक्सर में। अब मैं इसमें डालूंगी चॉकलेट सॉस, वो थोड़ा चॉकलेट सॉस इसमें हम डालेंगे और फिर इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो क्रंच के लिए। यहाँ पर मैंने हर्षी के चॉकलेट सिरप का यूज़ किया हुआ है। आपके पास जिस भी ब्रांड का अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। एंड अगर चॉकलेट सॉस नहीं है तो चॉकलेट गनाश की हेल्प से भी आप ये बना सकते हो। चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं फिर किसी दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन इसके ऐसे बॉल्स बना लेंगे हम लोग। बहुत ही इजी रेसिपी है और बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट होती है, तो अगर आपके बच्चे का बर्थडे आने वाला है तो आप उसमें ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, तो अभी मैंने ले लिया है, मेरे पास चॉकलेट कंपाउंड था, तो एक बोल में है चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट, एंड एक बोल में है वाइट चॉकलेट। तो इन दोनों को मैंने माइक्रोवेव कर लिया 30 सेकंड के लिए। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप डबल बॉयलर मेथड से इन्हें मेल्ट कर सकते हो। जो जस्ट 30 सेकंड के लिए मैंने दोनों बोल डाले थे माइक्रोवेव में, एंड अच्छे से इन्हें मैंने मिक्स कर लिया है, मेल्ट हो गई हैं अच्छे से। तो दोनों चॉकलेट को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लम्स फ्री कर लेंगे इन्हें, कोई भी गुठले नहीं होने चाहिए इसमें। केक पॉप्स बनाने के लिए हमें अब ज़रूरत रहेगी स्टिक्स की। इस टाइप के स्टिक्स आपको इजीली मिल जाते हैं मार्केट में, या फिर आप आइसक्रीम वाले जो स्टिक आते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हो, या वुडन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हो। तो गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे स्प्रिंकल्स का, मेरे पास ये कलरफुल स्प्रिंकल्स हैं। तो जो स्टिक है उसे हमें जस्ट चॉकलेट में डिप करना है और केक पॉप्स में हम उसे डाल देंगे, एंड ऊपर से हम ये चॉकलेट की कोटिंग कर देंगे। मेरे पास चॉकलेट कम थी थोड़ा, अभी मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया है चॉकलेट का, तो जितनी चॉकलेट थी उसे मैंने मेल्ट करके इनफ थे, मेरे केक पॉप्स बन गए। जस्ट मुझे रेसिपी शेयर करना था। सो उस पर कोटिंग करने के बाद हम उस पर स्प्रिंकल्स डाल देंगे। सो चॉकलेट मेल्ट करने के बाद का काम हमें बहुत फटाफट करना होगा, बिकॉज चॉकलेट बहुत जल्दी जमने लगती है। तो ये बनाते जाइए आप, और एक ऐसा कप या कुछ ऐसा ले लीजिए चीज़ जिसमें आप रखते जाइए, और नीचे एक प्लेट रख लीजिएगा, बिकॉज चॉकलेट जब तक सेट नहीं होती है तो उसमें से थोड़ा चॉकलेट गिरता है नीचे, तो नीचे ज़्यादा मैसी ना हो, गंदा ना हो, इसलिए आप एक प्लेट रख लीजिए नीचे। तो देखिए स्प्रिंकल्स डालने के बाद हमारे केक पॉप्स जो हैं कितने कलरफुल और कितने अट्रैक्टिव से दिख रहे हैं। सारे केक पॉप्स रेडी होने के बाद हम इसे 10 टू 15 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये चॉकलेट जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद ये खाने के लिए एकदम रेडी हैं। अब फ्रिज से उसे निकालिए, 5 मिनट के बाद आप बच्चों को दीजिए। सो हमारे केक पॉप्स जो है वो एकदम रेडी हैं, एंड कितने यम्मी, डिलीशियस, टेस्टी एंड माउथ वाटरिंग से लग रहे हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे कहने पर। तो अधीरा को ये केक पॉप्स बहुत पसंद है, अधीरा वेट भी कर रही थी खाने के लिए। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।